तो केशव प्रसाद मौर्य से हमारे सहयोगी अजीत बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने कई बातों को सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडई पार्टी है और इतिहास बदलने जा रहा है, चाहे वो तीनों सीटों में से किसी की भी बात हो, चाहे वो रामपुर की बात हो, खतौली की बात हो या फिर मैनपुरी की, वहां पर बीजेपी ही जीतने जा रही है। उन्होंने जीत का दावा किया है और कहा है कि बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कुछ स्थितियां लग रही हैं, आपने चूंकि अभी बातचीत भी किया, लोगों से फीडबैक भी लिया, क्या कुछ स्थितियां दिख रही हैं? देखिए, पार्टी की जीत होने जा रही है और लगातार बीजेपी की कोशिश ये थी कि वोट कम पड़े। मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई दूंगा कि जो इतनी सख्ती के बाद भी वोट देने निकले हैं, जहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने आए, ये रोकना चाहते हैं। रामपुर एक उदाहरण है, पिछली लोकसभा में कितना वोट डाल पाए थे, इस समय भी वही कर्फ्यू लगा दिया गया है कि डेमोक्रेसी में अगर कर्फ्यू हो जाएगा तो डेमोक्रेसी क्या बची, और यहाँ की जनता को दिया क्या आपने? चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, विकास रुक गया है, सैनिक स्कूल का बजट काट दिया आपने, मेडिकल कॉलेज का बजट काट दिया, सड़कों का बजट काट दिया, टूरिज्म का बजट काट दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बजट काट दिया, तो आखिरकार आपने दिया क्यों? वोट किस लिए मांगने आ पा रहे हैं? जो कुछ यहाँ विकास या काम दिखाई दे रहा है वो नेताजी का कराया हुआ है, उस विकास उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। और लगातार इलेक्शन कमीशन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है, चाहे दिल्ली में प्रोफेसर साहब गए हों, लखनऊ में राजेंद्र चौधरी जी जा रहे हैं, बार बार इस बात की अंदेशा जताया जा रहा है कि ये प्रशासन पुलिस जो है वो मतदान नहीं होने देगा, उसके बावजूद भी कोई चेंजेस नहीं किए, इलेक्शन कमीशन को जो है इस पर आना पड़ा, 6 पुलिस वालों पर जो है कार्रवाई की गई, हटवाया गया उनको। डे वन से ये शिकायतें नहीं हैं और डे वन से लोगों ने शिकायतें की थी, प्रशासन जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को डरा धमका रहे हैं, उनका वोट ना पड़ जाए, उन पर मुकदमे कैसे दर्ज हो जाएं, इसकी कोशिश लगातार बीजेपी के सारे पर प्रशासन ने किया है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि शिपाल जी जैसे ही एक मंच पर आए, सीबीआई जांच की बात सामने आ गई, उनका बंगले को लेकर जो आवंटन था उसको भी लेकर बात आ गई, उनकी सुरक्षा कम कर दी गई, ये अक्सर सरकार करती है लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका सिक्योरिटी स्टेटस नहीं है, यहाँ के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जनता के बीच में काम किया है, आप बंगला ले लें, सिक्योरिटी हटा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता इस बार ये सब देख रही है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी खत्म कर रही है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सारे पे प्रशासन झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, और सीबीआई ईडी बीजेपी के क्यों नहीं हो रही, जहां सड़कें बनी टूट गई, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, वो सड़क खत्म हो गई, उसकी ईडी सीबीआई नहीं, केवल डराने से के लिए आप ईडी सीबीआई कर रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रामपुर में भी कुछ हालत इसी तरह, कल रात में लाठीचार्ज भी हो गया, आजम खान साहब को भी बीच में बोलना पड़ा कि क्या आप लोग जो है यही चाहते हैं, इस तरह से एक चुनाव करवाना चाहते हैं। देखिए, प्रशासन ने रात को भी कहा कि फौज के बिना वहाँ निष्पक्ष वोटिंग नहीं पड़ सकती है और अभी भी वोट डालने वालों को निकलने नहीं दे रहे, कर्फ्यू लग जाएगा तो क्या बची डेमोक्रेसी, बीजेपी के डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। ये आखिरी सवाल, नेताजी के बिना ये पहला ऐसा चुनाव है जो परिवार जो है सब एक साथ है, तो कैसा लग रहा, क्योंकि देखिए आप पीछे समाधि स्थल है, यहाँ पे सफाई महोत्सव होता था, ये कुछ चीजें हम लोगों के आपके बस में नहीं है, नेताजी नहीं है, लेकिन नेताजी समाजवादी विरासत इतनी बड़ी देखे गए हैं, जब नेताजी इस आंदोलन को यहाँ तक लेकर के आए हैं तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 50 साल तक इस आंदोलन को लेकर के जाएं और जो गति विकास की उस समय थी उसको आगे बढ़ाएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, उसके बाद अखिलेश यादव फिलहाल आज यहाँ पहुँचे थे, इससे पहले उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल यादव के साथ बातचीत की थी और एक रणनीति जो है वो तैयार की थी। कैमरामैन रामबालक के साथ विशाल लोगंशी, जी मीडिया, सफाई।